तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेजियन नेटवर्क अब बेजियन नेटवर्क जो है ये बेसिकली आपका बेस्ड है बेस थ्योरम पे और बेस थ्योरम जो है ये बेसिकली आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि डिस्क्राइब करता है कि, कि आप कैसे किसी हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी को अपडेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यू एविडेंस अब यहाँ पे एक टर्म है हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब होता है मानना एज्यूम करना तो कोई भी इवेंट जहाँ पे किसी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यानी कि उस इवेंट के लिए जो है नए एविडेंस यानी कि नए इनपुट डेटा पे क्या आउटपुट हो सकता है तो हम जो है कुछ नए एविडेंस के बेस पे, नए इनपुट्स के बेस पे जो है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अपडेट करते हैं तो वही जो हमारा फॉर्मूला है जो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अपडेट करने का वो हमारा कहलाता है बेस थ्योरम और उस बेस थ्योरम के ऊपर जो है आपका ये बेजियन नेटवर्क का जो कंप्लीट टॉपिक है वो मैटर करता है और ये जो है हमारा फॉर्मूला है बेस थ्योरम का बेस थ्योरम का जो यूज़ है हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम वहां पे यूज़ करते हैं जहां पे जो है हमारे सिंगल ओकेजन पे जो है यानी कि सेम ओकेजन पे जो है मल्टीपल इवेंट्स आकर हो रहे होंगे और उन मल्टीपल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है हमें कंडीशनल यानी कि पार्शली निकालनी हो तो वहां पे जो है हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं और उसके लिए स्पेसिफिकली बेस थ्योरम को डेवलप किया गया है जिसका हम यूज़ करते हैं हमारे बेजियन नेटवर्क के अंदर अब आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला है P ऑफ A ओवर B यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर A इन प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो यानी कि यहाँ पे A इवेंट की प्रोबेबिलिटी सरकमस्टांसिस में B के कैसी होगी क्या वो प्रोबेबिलिटी होगी वो जो है हमारा ये फार्मूला डेवलप करता है और ये पूरा जो हमारा बेजियन नेटवर्क का टॉपिक है मशीन लर्निंग के अंदर ये इस फॉर्मूले पर टिका हुआ है बिकॉज जब भी आप बेजियन नेटवर्क्स का इंप्लीमेंटेशन करेंगे उसकी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो है बिहाइंड द सीन यही फार्मूला आपका जो है आपकी मैथमेटिकल प्रोबेबलिस्टिक कैलकुलेस को परफॉर्म करेगा बेजियन लर्निंग की जो एप्लीकेशन है उसे हम बोलते हैं बेजियन नेटवर्क और बेजियन नेटवर्क जो है ये बेसिकली आपका एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल होता है जो कि बेजियन इन्फेरेंस का यूज करता है टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कॉम्पूटेशंस यानी कि जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया उस फॉर्मूले के साथ कि कैसे मल्टीपल इवेंट्स अगर सेम ओकेजन पे सेम टाइम पे अगर वो हो रहे हैं तो उनके लिए जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है और वो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कॉम्पूटेशंस है वो कहाँ से आती

अब बेजियन नेटवर्क जो है ये बेसिकली आपके ओन इवेंट के लिए आइडियल होते हैं जो कि सेम टाइम पे अकर हो रहे हो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तो दो इवेंट जो कि सेम टाइम पे अकर हो रहे हैं और उन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस्ट थोर बट आप बेजियन नेटवर्क को इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे कौन सी एप्लीकेशन्स होगी जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप बेजियन नेटवर्क का वहाँ पे यूज़ करेंगे किसी अदर एल्गोरिदम जैसे कि मैंने डिसीजन ट्री की बात की आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात की क्लस्टरिंग की बात की हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में उनका हम यूज़ नहीं करेंगे इंस्टिड हम बेजियन नेटवर्क का यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे कोई इवेंट अकर हो रहा है और उस इवेंट से रिलेटेड ही कोई ऐसा आउटकम या फिर मैं बोल सकता हूँ फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट जो कि उससे रिलेटेड है उसकी हमें कुछ वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करनी है उसका हमें कुछ आउटपुट प्रिडिक्ट करना है तो वहाँ पे हम जो है बेसिन नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं और वही चीज़ जो है आपकी इस पॉइंट में मैंशन है कि प्रडिक्टिंग द लाइकलीहुड यानी कि लाइकलीहुड का मीनिंग है उस इवेंट से रिलेटेड अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे जो हम बेजियन नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं और बेजियन नेटवर्क का जो यूज़ है यहाँ पे मैंने बोला लाइकलीहुड इवेंट्स के लिए होगा तो उन लाइकलीहुड इवेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है यूज़ में आता है और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इसके जो है बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो कि हम नेक्स्ट यूनिट जब हम डिस्कस करेंगे बेजियन नेटवर्क की वहाँ पे जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से आप इतना समझ सकते हैं कि ये वो फैक्टर होता है जो कि दोनों इवेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा हो या इजीली अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं ये वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपके दोनों इवेंट के अंदर आकर होते हैं और दोनों इवेंट का जो आउटपुट होता है या प्रिडिक्शन होती है उसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अब बेजियन नेटवर्क जो है आपको कहाँ पे यूज करना है ये मैंने बताया कि जहां पे आपके सिमिलर इवेंट होंगे लाइकलीहुड इवेंट्स होंगे बट प्रैक्टिकल सिचुएशंस में रियल लाइफ सिचुएशंस में जो भी हमारी मॉडल कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं वहां पे जो है आपका बेजियन नेटवर्क का यूज किया जाता है और प्रडिक्शंस अगर हमें करनी है तो वेरियस डोमेन्स के अंदर जो हम प्रोडिक्शंस करते हैं चाहे वो वेदर फॉरकास्टिंग की प्रोडिक्शन हो या ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन की प्रोडिक्शन हो वहां पर बेजियन नेटवर्क का यूज किया जाता है अब मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बेजी नेटवर्क की एप्लीकेशन की बात करूं कि स्पेसिफिकली ये चीज़ कहाँ पे यूज हो रही है आज के टाइम पे तो उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस आती है हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स अब यहाँ पे मैंने आपको ऊपर एक टर्म बताई है प्रोबेबलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल आप ये ग्राफिकल मॉडल दिखता कैसा है उसके बारे में अब हम बात करेंगे तो ये जो है आपका एक एग्जांपल है जहाँ पे आपकी कुछ एक दो इवेंट गिवन है कि आपका अलार्म ऑन है या नहीं क्या आपने ओवर स्लेप्ट किया और क्या आपकी बस लेट है तो ये तीनों जो हमारे इवेंट है ये बेसिकली आपके लास्ट में रिलेट कर रहे हैं कि क्या एक इंडिविजुअल ने जो है ऑन टाइम अपनी बस को रिसीव किया अपनी बस पे वो चढ़ा तो यहां पे जो है तीन इवेंट है पहला इवेंट है अलार्म ऑन होने का तो यहां पे आप देख सकते हैं अलार्म है या नहीं उसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है येस और नो के टर्म्स में और दूसरा है ओवर स्लैप्ट तो ओवर स्लैप्ट जो है बेसिकली ये जो इवेंट है आपके इंडिविजुअल है कि उसने ओवर स्लीप करा या नहीं वो आपका एक तरीके से अलार्म ऑन पे डिपेंड कर रहा है यानी कि अगर अलार्म ऑन है तो मोर चांसेस है ज़्यादा चांसेस है प्रोबेबिलिटी होने के कि पर्सन ने इंडिविजुअल ने जो है ओवर स्लीप नहीं किया होगा बट अगर यहाँ पे अलार्म ऑन वाले सिचुएशन में ही अलार्म ऑफ हो जाता तो यहाँ पे जो है हमारे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं पर्सन के इंडिविजुअल के ओवर स्लेप्ट करने के तो आप देखेंगे यहाँ पे दो इवेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं लाइवलीहुड इवेंट है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो यहाँ पे जो है आपके कौन सा इवेंट काम में आएगा यहाँ पे आपका बेजियन नेटवर्क एल्गोरिथम जो है काम पे आएगी और इसी तरह यहाँ पे हमारा तीसरा इवेंट है बस लेट होने का कि अगर बस लेट है या नहीं यानी कि अगर बस लेट होती है पर्सन ओवर स्लैप्ट करता है या नहीं करता है अलाउन होन है या नहीं है तो आप देखेंगे तो ये तीनों इवेंट जो है बेसिकली सिमिलर सिचुएशन के लिए जो क्रिएट हो रहे हैं और एट द एंड जिसके अंदर जो है हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि क्या पर्सन ने ऑन टाइम बस को रिसीव किया या मैं बोल सकता हूँ कि ऑन टाइम जो है वो पर्सन था या नहीं था जब बस के एरिया में आए तो आप देखेंगे तीनों इवेंट की जो है यहां पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज गिवन है चाहे वो अलार्म के इवेंट की हो बस के इवेंट की हो या यहाँ पे आप देखेंगे ओवर स्लेप्ट के इवेंट की हो तो तीनों जगह जो है आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिख रही होगी हर एक ईवेंट की जो कि डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर और एट लास्ट जो है यहाँ पे हमारे क्या यहाँ कंडीशन सामने आती है बस और ओवर स्लेप्ट की जो दोनों कंडीशन एक दूसरे से रिलेट कर रही है यहाँ पे तो अगर दोनों चीज़ें यस यस है तो बस को टाइमली या फिर पर्सन को टाइमली बस के पास पहुँचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है या नहीं है वो जो है आपकी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है तो बेसिकली आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन इवेंट्स के बेसिस पे जो है क्या एक पर्सन अपने टाइम पे ऑन टाइम जो है बस तक पहुँच सकता है या नहीं थैंक यू